हमारी मेहनत, लगन और जज्बे को आपका सलाम मिल रहा है। हम हैं द पंचौरा न्यूज, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। दीवालों पर टंगे मुंह चढ़ाते हुए आग बुझाने वाले सिलेंडर हों या पीक दान में बदल चुका फायर सिस्टम का ये हॉर्स पाइप सेंटर, टूटा हुआ फायर सिस्टम, ये तस्वीर किसी सी क्लास सिनेमा घर की नहीं है बल्कि कन्नौज के जिला अस्पताल की है। चौंक रहे हैं ना आप, ये वही जिला अस्पताल है जिसके आला अधिकारी शहर में अवैध अस्पतालों पर ताला जड़ते हुए घूमते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या जिला अस्पताल मानकों के अनुरूप चल रहा है? इसका जवाब देने में और ज्यादा गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे हालातों में अगर कोई हादसा होता है तो अस्पताल प्रशासन सिर्फ दमकल विभाग पर ही निर्भर रहेगा। वार्डों के बाहर लगे अग्निशमन सिलेंडर भी एक्सपायर हो चुके हैं। वहीं जिम्मेदार नाकामी छिपाने के लिए आग बुझाने के पर्याप्त मात्रा में साधन होने की बात कह रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सेंट्रल फायर सिस्टम है वो जब ये काफ़ी पुराना हो गया है तो उसमें एक आधे जगह पाइप उनके गल गए हैं और बाकी एक बार इसमें अभी मोटर चलवा के जेई साहब ने देखा भी है वो है, लेकिन उनके जो है रिपेयर वर्क होने। इसके अलावा हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में तैनात हैं दोनों ही हॉस्पिटल में और रिफिल करा के अप टू डेट हैं। पर जो ये सेंट्रल फायर सिस्टम है वो काफ़ी दिनों से उसमें जो है ये पाइप पुराने हो गए हैं, उसके लिए सक्षम स्तर पे पत्राचार भी हो रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में सरकारी अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे में 10 नवजात शिशुओं की मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने सबक नहीं लिया है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में रोजाना करीब 500 से अधिक मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं, जबकि करीब 50 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती रहते हैं। इसके अलावा SNCU व NRC वार्ड में मासूम बच्चे भर्ती रहते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में आग बुझाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। आग बुझाने के लिए लगाया गया सेंट्रल फायर सिस्टम भी सालों से खराब पड़ा है। हालत ये है कि उपकरण कई सालों से धूल खा रहे हैं। खाना पूर्ति के लिए वार्डों के बाहर लगाए गए अधिकांश अग्निशमन सिलेंडर भी एक्सपायर हो चुके हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।